इंडिया से पूछ के आपके साथ चलेंगे आगे फ्यूचर में। मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपके सारे देखने वालों को, मोदी साहब यहाँ आ रहे हैं 21 से लेकर 24 तक, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट को और सारी फॉरेन ऑफिस वालों को और हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए उनके दौरे का, कि उनका स्टेट विजिट है और अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है। तो एक एक रिजल्ट जरूर उसमें से आप समझने की कोशिश करें कि आइंदा अमेरिका आपसे भारत से पूछ के बात की। हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कार्पेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? ओ सर, उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में नहीं बल्कि शायद गुजरात में या बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी ऐसी जगह पर है कि इंडिया के किसी भी स्टेट में है जहाँ पे इतने सारे लोग। मैं आपको बताता हूँ, ये गए वहां पे तो मोदी जी ने वेव वेव करा सबसे मिले, और फिर ये इमीडिएटली पहुंचने के 15 मिनट के बाद ये पहली मीटिंग में चले गए, ये पहली मीटिंग में चले गए। और इन्होंने दुनिया भर की मीटिंग्स करी, मैं अब ये धीरे धीरे डिटेल आ रही है कौन कौन सी मीटिंग्स करी, लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। ठीक है, यहां पर तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज़ कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्होंने कहा कि ही होप्स टू ब्रिंग स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टू दी साउथ एशियन कंट्री। और फिर बात की कि कैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ पहुँचाया जा सकता है, दूर दराज गाँव तक इनक्रेडिबली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, जिस पे पूरी विश्व भर की नज़र है। जैसे जैसे भारत और अमेरिका करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान के जो है वो पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अगर भारत और अमेरिका करीब आते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO से मिल रहे हैं। जब कल उनकी मुलाकात इलॉन मस्क से हुई तो इलॉन मस्क ने कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी का फ़ैन हूँ। और एक तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है जो अपनी फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से आज उसके इकोनॉमी के बद से बदतर हालात हैं और दुनिया भर में वो कटोरा लेके घूम रहा है। तो आज इसी वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का मज़ेदार रिएक्शन भारत और अमेरिका के बढ़ते और सफल रिश्तों पर। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। और मैं जिस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि इसको देखे और यहाँ से लर्न करे कुछ, कि इंडिया हमसे इसे कितना आगे निकल चुका है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इस सारे प्रोसेस को आपको भी मदद मिलेगी ये समझने के लिए। मोदी जी का यह 7वां ट्रिप है अमेरिका का, उसके बाद मोदी जी दूसरी दफा कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज तक जिन्होंने ये दो दफा स्पीच दी है वो लोग कौन थे। पहले विंस्टन चर्चिल थे, नेल्सन मंडेला थे और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, और आज उनमें मोदी जी का नंबर अगला है। अब उसके बाद बताना चाहूंगा कि मोदी जी आ रहे हैं, यहां से पहले दिन वो अपना योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे करेंगे यूनाइटेड नेशंस के, वहां वो योगा के इस एक्सरसाइज को लीड करेंगे। फिर डिनर होगा व्हाइट हाउस के अंदर, फिर दूसरे दिन कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनके आनर में लंच देंगे, फिर वो CEOs जो अमेरिकन CEOs हैं उनसे मिलेंगे, और फिर डायस्पोरा से मिलेंगे, और यहाँ से उसके बाद वो इजिप्ट चले जाएंगे। 5 एरियाज हैं जहाँ पे मोदी जी जिसको इस अपने दौरे में जो है वो कवर करेंगे। पहली डिफेंस और स्ट्रेटजी, दूसरी हेल्थ केयर, तीसरी न्यू हाईटेक स्टार्टअप्स, चौथी इन्वायरमेंट, और 5वीं एजुकेशनल पार्टनरशिप। तो इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें एक तरफ मोदी जी का ट्रिप, और दूसरी तरफ मेरे पाकिस्तान का 300 बच्चा ग्रीस के पास जो है वो डूब के पानी में मर गया। इसके बाद आप फैसला खुद कर लें कि आप कहाँ हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं। आप एक ही दिन, आप 14 अगस्त को आजाद हुए थे, वो 15 अगस्त को आजाद हुए थे। उनकी तरक्की भी 1991 में शुरू हुई थी, उससे पहले वो भी उनके भी दरवाजे बंद थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें बड़ी हालात खराब थी। लेकिन 1991 के बाद उन्होंने ऐसा अपने आप को मैनेज किया है कि नाउ दे आर बिकमिंग द 5th बिगेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। आज अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप रखे। इंडिया की मजबूरी नहीं है, द
बल्कि इंडिया ने उनके मुंह के ऊपर उठा के मारा है। उन्होंने कहा जो आप नेटो प्लस की मेंबरशिप लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इट्स नॉट सूटेबल फॉर इंडिया, क्योंकि हम रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं, हम चाइना के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी रखना चाहते हैं। अमेरिका को उन्होंने अपने टांगों में दबा लिया इस वक्त। तो यहाँ से आप लर्न करने की कोशिश करें, अगर करने की सलाहियत रखते हैं या सर्वाइव करने की ख्वाहिश है आपकी। मोदी के इस दौरा के कॉन्टेक्स्ट में जिस पे इंटरनेशनल प्रेस बहुत कुछ लिख रहा है और वो इस पे निगाहें इंटरनेशनल प्रेस की भी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की भी गड़ी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत वहाँ पे हो रहा है और जिस तरह के एग्रीमेंट्स और जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद सामने आएगी, इस वक्त भी भारत और अमरीका की अंडरस्टैंडिंग बहुत आगे की है। तो आप ये बताइए कि इस दौरा के बाद हम क्या कुछ और बड़े बड़े जो हैं हैपनिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों मुल्कों के बीच में और वर्ल्ड स्टेज पे भी, ये मीटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होगी? सर मुझे लगता है ये गेम चेंजिंग मीटिंग है और मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ जो मेरे जहन में आ रही हैं, बातें आ रही हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। सर पहली चीज तो ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स सर, अपार्ट फ्रॉम डिफेंस दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, ये बात कर रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग की। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी का प्राइमरी एजेंडा है जिसके ऊपर मुझे लगता है 110% बातें होंगी चाहे बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगी, दिस इज डीकपलिंग ऑफ द यूएस इकोनॉमी विद चाइना सर, टू गेट मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग इनटू इंडिया। इंडिया में दो डिफेंस कॉरिडोर सर शुरू हो गई हैं, एक तमिलनाडु में जो हमारे साउथ का स्टेट है, बड़ा खूबसूरत स्टेट है सर, जाइए तो मजा आ जाएगा आपको कभी, आई डोंट नो वेदर यू बीन टू तमिलनाडु, वेरी ब्यूटीफुल, मैं तो एक साल रहा हूं सर वहां पे, आई हैव स्टेड इन तमिलनाडु, एंड दूसरा इट्स इन उत्तर प्रदेश सर यूपी में। तो ये दो डिफेंस कॉरिडोर हैं, तो बड़े बड़े जो इसमें नाम है डिफेंस के, ग्लोबल डिफेंस के, वो यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करेंगे। इट्स नॉट लिमिटेड टू डिफेंस, ऑटोमोबाइल ठीक है सर, और ये बात, और मतलब देयर इज नो एंड टू इट सर, लेटेस्ट कटिंग एज फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च, इन सब में साइंटिफिक और नॉलेज, ये दिस इज ऑल्सो अ जॉइनिंग ऑफ टू नॉलेज पावर सर, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इंडिया हैज गॉट अ वेरी डीप नॉलेज बेस, इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के साइंटिस्ट, दे आर अमंगस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड सर, एंड दिस इज वॉट वी आर डूइंग सर, गेटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूएस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग सर। तो ये मुझे लगता है डिफाइनिंग चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वॉट दे विल फोकस ऑन, what Modi ji will also focus on apart from other things sir is decoupling the American economy with the Chinese over a period of time, ek road map tayar kiya jayega aur bolega ki theek hai, bola jayega ki theek hai aap American companies ko encourage kariye, ab hukum to de nahi sakte aap unko zahir si baat hai, lekin aap American companies ko aap encourage kariye aur American companies ko aap ye boliye ki sab aap ek kaam kariye, you come to India and you make in India aur aap batao aapko chahiye kya, whatever you desire the Indian government will facilitate and the Indian government will ensure that you get those kind of facilities, get out of China, get out. Invite kiya hai ki aap India visit kare aur unhone kaha ki as soon as possible wo India jana chahenge, to bhai kamaal hai, kya baat hai, aisa kare Elon sahab ke udhar se hote hue hamare liye zara idhar bhi ek chakkar laga le, ठीक है वो इधर क्या करने आएंगे, बंदा पूछे हमसे मिलने आएंगे, उनको बेशक ये पता हो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी उनकी ह्यूज फैन मौजूद है, लेकिन उनके फैन तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इसलिए तो मिलने नहीं आएंगे, वो तो इसलिए मिलने आएंगे कि जब यहाँ पर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। तो हमारे तो जो हालात हैं इस वक्त, तो आप सोच ही रहे हैं हम कहाँ केटर कर सकते हैं लोन को।